तथा नया विश्वास भी देता है। सरकार की योजनाएं पूर्व में भी बनती थी, कोई भी सरकार की योजनाएं उत्तम होती थी, पर कई बार सरकार की उत्तम योजनाएं समाज के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में क्रियान्वित करने के कारण उपेक्षित परिणाम नहीं होते थे। और इस संदर्भ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देश के समक्ष, मीडिया के समक्ष ये विचार रखे थे कि दिल्ली से हम 100 पैसे भेजते, वो पंजा का हाथ कहां घसते घसते गांव तक 15 पैसे पहुंचते थे। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की योजनाएं 100% अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा, जिसका साक्षात उदाहरण अभी मेयर ने हर योजनाओं का हाथ उठाकर पूछताछ करने का काम किया। हमें लगता है कि राज्य गठन के बाद पहली बार पारदर्शी ढंग से जिन लाभुक को जो सुविधा मिल रही है वो मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से हर को जानकारी हो रही है कि सरकार की ये योजना जिसके लिए गरीब हकदार था वो हक उनको मिलने का काम हो रहा। जरा आप भी सोचिए, 67 वर्ष देश को आजाद हुए, आपको भी अनुभव होगा, किसी सरकार ने आपके सुख दुख के बारे में पूछा है? एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये कहे कि पिछली सरकार ने इस तरह जनता, गरीब जनता से सुख दुख पूछने का काम किया हो। और चाहे शहरी गरीब हो, चाहे गांव में रहने वाला गरीब, ये जरूर बातचीत करते थे कि हमारे भाग में कुछ नहीं होने वाला, गाल में हाथ देकर, चाहे गांव के चौपाल में हो चाहे शहरी क्षेत्र में, हमारा गरीब के मन में एक निराशा की भावना थी कि हमारे भाग में कुछ नहीं है। और जो अभी हमने 2 दीदियों की, लाभार्थियों की जो भावना सुनी, ये सिद्ध करता है कि अब गरीब की ये सोच माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल रही है। और जब जनता की कसौटी पर पास होकर निकल जाते हैं तो एक अनोखा आनंद मिलता है। यह आनंद आज मुझे प्राप्त हो रहा, क्योंकि सर पर छत होना हर गरीब का एक सपना होता, और आजादी के इतने वर्षों बीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हजारों घर बनाने का काम चल रहा है। और जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा कि 2020 तक झारखंड एक ऐसा झारखंड बनाना जहां कोई गरीब हमारा बेघर ना रहे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
इसके साथ साथ इस लाभार्थी योजना का एक और फायदा, सरकार और गरीब के बीच कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। ये हमारी सरकार की सोच है कि सरकार और शासन के बीच कोई दूरियां नहीं होनी चाहिए, कोई खामियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब के बीच बिचौलिया घूमते रहते, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो या विधवा पेंशन योजना हो। और इसीलिए सारा काम या तो डीबीटी के माध्यम से या पारदर्शी ढंग से हमारी सरकार सारी योजनाओं को लागू करने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। और उसी के तहत आज हजारों लाभार्थी एक तंबू के नीचे, चाहे लोगों की इतनी बड़ी उपस्थिति में आज योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है।